हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल माय प्राइवेट ट्यूटर इंडिया। दिस इज द इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म टू चेंज योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो सिंस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर इज मैटर अराउंड इज प्योर, तो हम लोग इसकी समरी देखेंगे। विल सी इन शॉर्ट व्हाट इज द समरी, व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड इन दिस वीडियो आई हैव हाईलाइटेड द पॉइंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो वी विल गो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एंड वही पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। तीन वीडियोस थी जिसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि मिक्सचर क्या होते हैं, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो ये सब पढ़ा था। देन वी सॉ कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कैसे करते हैं, और द इवेपोरेशन, क्रोमैटोग्राफी, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड्स, तो इन सबको हम इस वीडियो में शॉर्ट में देखेंगे कि वो क्या होता है। सो सी द फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी, इट सेज द इंट्रोडक्शन दैट हाउ डू वी जज वेदर द मिल्क, घी और बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस एटसेट्रा विच वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। ओके, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स? तो एक कॉमन लैंग्वेज में प्योर का मतलब हमारे लिए क्या होता है? प्योर का मतलब ये होता है कि कोई भी जो हम चीज़ बाजार से खरीद रहे हैं उसमें मिलावट ना हो, उसे हम प्योर बोलते हैं। बट इज मैटर अराउंड इज प्योर, विल सी केमिकली कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर is constituted by more than one kind of pure form of matter. We know that the dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. तो बच्चों, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलके बनता है, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बनता है, उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। एंड वॉट आर द टाइप ऑफ मिक्सचर? मैंने पहले भी बताया था, द टाइप ऑफ मिक्सचर वी हैव स्टडीड सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स ये सब होते क्या हैं। तो सी ऑन द नेक्स्ट पेज इट इज गिवन व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम यहाँ से याद कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है जो एक तरह के ही कंपोनेंट से मिलकर बना हो, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस सब्सटेंसेस। यू कैन क्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, फॉर एग्जाम्पल द लेमनेट, सोडा वाटर एटसेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एलॉयज। एलॉय क्या होता है? ये आपसे हमेशा पूछा जाता है कि एलॉय क्या होता है, डिफाइन एलॉय, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एलॉय। तो बच्चों, एलॉय क्या होता है? ये भी एक तरह का मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल, मेटल नॉन मेटल कंबाइन करते हैं। तो ये मिक्सचर जो है वो मेटल मेटल का हो सकता है, मेटल प्लस नॉन मेटल का हो सकता है, और इसको हम लोग कहते हैं एलॉय। सो एलॉय को अगर डिफाइन करने का यहाँ पे जो बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन डिफाइन एलॉय फ्रॉम हेयर दैट एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट एंड इट कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो बच्चों, एलॉय एक मिक्सचर होता है, बट इसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? फिर भी इसको मिक्सचर क्यों कहते हैं? बिकॉज हमने पढ़ा था कि मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो मिक्सचर उनका ही प्रॉपर्टी शो करता है। तो इन द सेम वे एलॉय जो है वो जिन चीज़ों से मिलके बना होता है उनकी ही प्रॉपर्टी को शो करता है। एग्जाम्पल एलॉय का होता है ब्रास, ब्रॉन्ज। ओके, तो ब्रास का कॉम्पोजिशन क्या होता है? 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो सी हियर, इट इज अ फिक्स्ड कॉम्बिनेशन, लाइक परसेंटेज वाइज फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच इज कॉल्ड एलॉय। So this makes a very important question for your examination, and you have to learn it that different. You can make a list of various examples of alloys and also their composition, ki wo kis cheez se milke banta hai. For example, amalgam. Amalgam ek important question banta hai. To aap ek kaam karna ki
एलॉयज जो हैं उनकी लिस्ट बना के और उसके उसके कॉम्पोजिशन के बारे में लिखना, जैसे कि यहाँ ब्रास दिया हुआ है कि कॉपर एंड जिंक से मिलके बनता है, इन द सेम वे राइट 5 to 10 एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज विद देयर कॉम्पोजिशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज हेयर, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. तो सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने बताया था कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट. तो जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन के अंदर उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, एंड जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट. सो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट is called solute. So here we can see some examples of solution. The solution of sugar in water is a solid in liquid solution. इस solution में sugar क्या होगा? Solute and water solvent होगा, because obviously अगर sugar और water का solution है तो वहाँ पर water जो है वो ज़्यादा amount में present होगा, and sugar will be in less amount. So sugar will be solute and water will be solvent. So, solution of iodine in alcohol is known as tincture iodine. Tincture iodine एक बहुत ही important चीज़ होती है, क्योंकि it works as a antiseptic. कहीं भी हमें चोट लग जाती है तो वहाँ tincture iodine solution लगा सकते हैं हम. वो antiseptic properties होती है उसमें, microbes को disinfect करने की, kill करने की. तो tincture iodine solution कैसे बनता है? Iodine को alcohol में मिलाते हैं, okay? तो यहाँ पे iodine क्या हो गया? आयोडीन सॉल्यूट होगा, एंड एल्कोहल क्या होगा? वो सॉल्वेंट होगा, बिकॉज आयोडीन को हमने एल्कोहल में मिलाया है, तो एल्कोहल का अमाउंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. सो नेक्स्ट, एरेटेड ड्रिंक्स. एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सोडा वाटर, ये कैसा सॉल्यूशन है? गैस इन लिक्विड. फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था? सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें हम वाटर और शुगर सॉल्यूशन, ठीक है. सेकेंड हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, ओके. तो ये भी था सॉलिड इन लिक्विड. नाउ वी आर सीइंग एरेटेड ड्रिंक्स. तो ये किसका सॉल्यूशन होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो सॉल्यूट के तरह होता है, और इसे हम जब वाटर में डालते हैं, जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं हमारे, तो वाटर सॉल्वेंट की तरह होता है. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच गैस इज डिजॉल्व इन वाटर. Now the next, air is a mixture of gas in gas. The last है but not the least, air कैसा mixture है? It is a mixture of gas in gas. So air is a homogeneous mixture of a number of gases. Its two main constituents are oxygen 21% and nitrogen 78%. The other gases are present in really small quantities. तो यहाँ पर हमने जो भी examples देखे, इसमें solid in liquid, गैस इन लिक्विड, ऐसे एग्जांपल्स देखे. देन एयर का जो मिक्सचर था उसमें हमने देखा कि एयर में गैस इन गैस का मिक्सचर होता है, ओके. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पॉइंट वाइज दिया हुआ है. सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ओके. सॉल्यूशन हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर. Because of very small particle size, they do not scatter the beam of light passing through them. But in case of colloid, what we have seen that they scatter the light which passes through them, which is known as the Tyndall effect, the Brownian motion, the scattering of light. Okay, about which we'll learn further. The solute particles cannot be separated from mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed. This solution is stable. So these are some of the examples of solution. That solution, अगर आपसे एक question पूछा जाए कि define solution, what are the properties of solution, and give some examples of solution, especially give some example of like solution which is made by dissolving gas in gas or gas in liquid or solid in liquid. So basically you should be able to write all this, so you have to remember it and make it very clear, make your own notes. Now the next is a mathematical part, that how do you calculate the concentration of a solution. So concentration, see,
कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट सेम टेम्परेचर. द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट इज गिवन इन the amount of solution. So basically concentration क्या होता है कि हम किसी solution में कितना solute dissolve कर सकते हैं या किसी solution में कितना solute present है उसे ही हम लोग बोलते हैं concentration of solution. So first of all there are certain formulae to calculate the concentration of a solution. First of all you can see mass by mass percentage of solution. इसमें we take the mass of solute, we take the mass of solution, we divide them and we multiply them with 100, then we get the mass percentage of a solution. Okay, so ये basically mass के terms में था. Next page पे हम देखते हैं mass by volume percentage of solution. अगर किसी solution में solute का mass दिया हुआ है and solution का volume दिया हुआ है, ये basically solid to liquid mixture वाले में होगा, तो वहाँ पे what we do, we take the mass of the solute, we take the volume of the solution, divide them and multiply by 100. So these are very simple. यहाँ पे हम easily concentration of solution calculate कर सकते हैं. So mathematically अगर आपको कोई concentration of solution calculate करने के लिए कहे और वहाँ पे solute and solvent की quantity के बारे में बताया गया हो, तो you can easily calculate the concentration of solution. Now next is the volume by volume percentage of solution. So here volume of solute and volume of solution. So see it's very easy. If it is given that calculate the volume by volume percentage, तो वहाँ पे वो volume के form में ही होगा. तो volume of solute by volume of solution. Always remember that solute को हम numerator में रखते हैं and solution को denominator में रखते हैं, तब हमें concentration या concentration percentage मिलती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैलकुलेट परसेंटेज, तो उसमें जितना मार्क्स हम ऑब्टेन करते हैं एंड जितना टोटल मैक्सिमम मार्क्स है तो उनको डिवाइड करते हैं ना. इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय दिस फॉर्मूले. हियर द एग्जाम्पल 2.1, यू कैन सॉल्व इट इन योर नोटबुक. इट्स वेरी सिंपल. इट 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर. सो बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन अमाउंट दिया हुआ है एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है, द कंसेंट्रेशन. नेक्स्ट सी व्हाट इज सस्पेंशन. सॉल्यूशन के बारे में तो बात हो गई, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो गई, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स के बारे में बात हो गई. अब हम देखेंगे सस्पेंशन के बारे में. सो सस्पेंशन क्या होता है, फर्स्टली लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन इज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज. सो बच्चों मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए थे उसमें भी मैंने बताया था कि इनके पार्टिकल्स का साइज जो है वो थोड़ा इंटरमीडिएट होता है. सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज है वो बिल्कुल छोटा होता है, दे आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आइज, बट हियर यू कैन सी द कंपोनेंट्स द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन. सो यहाँ पे सस्पेंशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं व्हाट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. सो द मिक्सचर विच इज ऑब्टेन्ड बाय colloid is called colloidal solution. The particles of colloid uniformly spread throughout the solution. Due to the smaller size of particle as compared to the suspension, the mixtures appear to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. So solution kya tha? Solution was a homogeneous mixture, but suspension jo hai, it is colloidal solution jo hai, wo ek heterogeneous mixture hai. बट यहाँ पे भी इसके पार्टिकल का साइज इंटरमीडिएट होता है, सस्पेंशन जितना नहीं होता है. ओके, सो कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं. तो इसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे हमने दो बीकर लिया है, उसमें कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन डाल दिया है, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, और एक टॉर्च से हम उस पर लाइट डालते हैं. तो होता क्या है बच्चों, बिकॉज इट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन तो उसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट की इजीली स्कैटरिंग करवा देते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करवा देते हैं. इससे क्या होता है कि वो लाइट का जो पाथ है वो हमें विजिबल हो जाता है, एंड इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट. इसके और भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे,
For example, you are sitting in a room and light is coming from the window. So suddenly you can see the path of the light very clearly because air में भी कुछ ऐसे particles होते हैं जो colloidal particle की तरह act करते हैं. And because of the scattering of light, so basically Tyndall effect is what? It is scattering of light. It is observed. अब definition देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters the room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in air. Okay? So basically this is Tyndall effect. You can be asked about what is Tyndall effect, what are the certain examples of Tyndall effect, then you can give these examples. Next page. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, the mist contains tiny droplet of water which act as particles of colloid dispersed in air. तो एक और एग्जाम्पल मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था कि जैसे एक घना जंगल है, वहां पे पेड़ों के बीच से जो सनलाइट आती है वहां पे बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मिस्ट विच आर प्रेजेंट देयर, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट की स्कैटरिंग करवाते हैं. वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट एज यू कैन सी हेयर इन द इमेज विच इज गिवन. यहाँ पे लाइट जगह जगह से, जहां जहां पे स्पेसेस हैं वहां से लाइट आ रही है. तो वाई इट इज कमिंग? इट इज बिकॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट ऑफ द particles of the mist and fog which is present in the dense forest. Okay, so next, what are the properties of a colloid? Colloid is a heterogeneous mixture. The size of particles of colloid is too small to be individually seen by naked eyes. But they are big enough to scatter. This is very important. Colloid ke particles वैसे तो naked eyes से नहीं दिखते हैं, but they are big enough to scatter the beam of light passing through it, and this makes their path visible. They do not settle down and left undisturbed. That is, a colloid is quite stable. So solution क्या था? Solution भी stable था, because उसके particles जो हैं वो नीचे settle down नहीं होते थे. Colloid जो है वो भी somewhat stable है. Okay, so this was about colloidal solution, colloid. Next page पे आते हैं. How do we separate the components of a mixture? So this is a very interesting topic. I have discussed about it in detail in the previous videos. कि how do we separate the components of a mixture? तो अभी तक तो हम देख रहे थे कि मिक्सचर होते किस तरह के हैं, द सॉल्यूशन, द कोलॉइड, द सस्पेंशन. नाउ अब हमें देखना है कि ये जो मिक्सचर है इसके कंपोनेंट्स को अगर हमें सेपरेट करना है तो हाउ डू वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ दीज मिक्सचर. ओके, सो देर आर सर्टेन प्रोसेसेस बाय विच यू कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. तो एक एक करके देखते हैं. द फर्स्ट इज, हाउ कैन वी ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक? ओके, so this is by evaporation. Here you can see यहाँ पे एक activity perform किया जा रहा है. एक beaker है जिसमें water है, okay, और watch glass है. हम एक burner पे उस पर उसे रखते हैं. so what happens, उसका evaporation होता है and the ink it gets collected. so how can we collect the, how can we find that ink is a mixture of dye in water? thus we can separate the volatile component solvent from the non-volatile solute by the method of evaporation. तो obvious सी बात है, जब हम इस तरह उसको heat करेंगे तो जो volatile component है वो तो evaporate हो जाएगा और जो non-volatile component है वो हमें easily हम उसे collect कर सकते हैं. Next is, how can we separate the cream from milk? क्रीम जो मिल्क होता है उससे हम क्रीम को कैसे कलेक्ट करते हैं? सो नाउअडेज वी गेट द फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रापैक्स इन मार्केट. सो दीज आर द वेराइटीज ऑफ मिल्क एंड दे कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट. ओके, सो सी, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्टरेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन. Such mixtures are separated by centrifugation. The particle, that is dense particles, are forced to be at the bottom, and the lighter particle they stay at the spun rapidly. So see, यहाँ पे milk से cream को separate करने के लिए मैंने जैसे पिछले video में बताया था एक process का use करते हैं जिसे हम कहते हैं centrifugation. Centrifugation basically क्या होता है कि हम एक spinner का use करते हैं, वहाँ centrifugation machine बोलते हैं उसको.
तो मिल्क को जैसे ही सेंट्रीफ्यूज मशीन पे हम डालते हैं तो वो स्पिन करता है तेजी से। उस केस में क्या होगा कि जो डेंस पार्टिकल्स हैं और जो लाइट पार्टिकल्स हैं, क्रीम लाइट होता है, मिल्क जो है वो डेंस होता है। सो डेंसर पार्टिकल इट रिमेन्स एट द बॉटम एंड जो लाइट पार्टिकल हैं जैसे कि क्रीम वो टॉप पे फ्लोट करने लगते हैं एंड वहाँ से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली इफ समवन आस्क यू दैट हाउ डू यू सेपरेट टू द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इन विच देयर इज वन डेंस पार्टिकल एंड वन लाइटर पार्टिकल लाइक मिल्क एंड क्रीम, so how do you separate? You can see that you can say that you can do it by centrifugation method. Okay, so here there are some of the applications of centrifugation. It is used in diagnostic laboratories for blood and urine test. It is used in dairies and home to separate butter from cream. It is used in washing machine to squeeze out water from wet cloth. So these applications are very important. You will be directly asked that what are the application of centrifugation or what is the application of centrifugation process. So you can write these. Next is how can we separate the mixture of two immiscible liquid. Now what are immiscible liquid? Immiscible liquid ka kya hota hai? Say for example, here one activity is given. Let us try to separate kerosene oil from water using a separating funnel. We pour the mixture of kerosene oil and water in separating funnel and let it stand undisturbed for some time so that the separate layers of oil and water are formed. Open the stopcock of the separating funnel and pour out the lower part of the water carefully. Now close the stopcock of the separating funnel as the oil reaches the stopcock. Okay? So separation of two immiscible liquid. Immiscible liquid जो एक दूसरे में miscible नहीं है, मतलब जो एक दूसरे में mix नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे oil और water का अगर mixture है तो वहाँ पे हम separating funnel use करते हैं। Separating funnel use करके सी ये सेपरेटिंग फनल होता है, एक स्टॉपकॉक लगा देते हैं और उसमें वो इमिसिबल लिक्विड को डाल देते हैं। तो वाटर और केरोसिन ऑयल वो अलग अलग लेयर्स में सेपरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हो कि वाटर नीचे है, केरोसिन ऑयल जो है वो ऊपर है एंड जैसे ही हमें ये लेयर दिखती है वैसे ही हम उसका स्टॉपकॉक जो है वो ओपन कर देते हैं। ओपन करने से क्या होता है कि लिक्विड वाटर जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं एंड जैसे ही वाटर पूरा सेपरेट हो जाए तो ऑयल वाली लेयर को हम एज इट इज छोड़ सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सेपरेटिंग फिल्ट्रेशन फनल फॉर सेपरेटिंग द इमिसिबल लिक्विड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। ओके, सो बेसिकली अगर एक जैसे कैम्फर, यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस मैटर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। सब्लिमेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर एंड कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। सो सॉलिड से गैस बनना एंड गैस से सॉलिड बनना, बीच में लिक्विड स्टेज आता ही नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई मिक्सचर है तो वहाँ पे हम उसे कैसे सेपरेट करते हैं? वहाँ पे हम उसे सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हो, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड लर्न इट बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। से फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे हमने किया क्या है, बर्नर के ऊपर चाइना डिश रखी एंड वहाँ पे मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट डाल दिया है। ओके, देन उसको एक इन्वर्टेड फनल से हमने ढक दिया है एंड फनल की जो ओपनिंग होती है उस पर हमने कॉटन लगा दिया है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप बर्नर ऑन करोगे तो जो कैम्फर है उसमें, कैम्फर हम लोग जानते हैं कि कैम्फर का क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी कि वो डायरेक्टली वेपर ऑफ द कैम्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट सॉल्ट का सब्लिमेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो इन दिस पे जो फनल के वॉल पे कैम्फर के वेपर्स होंगे उसको हम अलग से कलेक्ट कर सकते हैं एंड सॉल्ट जो है वो हमारा चाइना डिश में बच जाएगा एज इट इज। सो वहां से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। ओके, सो हाउ डू वी चेक दिस? इसको चेक करने के लिए देर इज अ मेथड विच इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर। This technique was used for separation of colors, so this name was given. It is a technique used for separation of solute and dissolved same solvent.
So how do we separate colors by using the process of chromatography? Now what is the application of it? So application, it is used to separate colors in a dye, pigments from the natural colors and drug from the blood. The next is, how can we separate a mixture of two miscible liquids? Okay, so miscible, iske pehle humne dekha tha, to separate the mixture of immiscible liquid we use separating funnel. Now we will see how do we separate the mixture of two miscible liquid. Miscible liquid ka matlab hota hai jo ek dusre mein dissolve ho jaye. So we separate them by using the process of distillation. Okay, so next distillation process ko maine iske pehle ki video mein describe kar diya hai, wahan se aap use dekh sakte ho. The next is, how can we obtain different gases from air? So different gas jo hain usko hum kaise air se kaise separate karte hain. We know that sabka boiling point alag alag hai, so in this case we use the process of fractional distillation. So air, it is compressed and cooled by increasing the pressure and decreasing the temperature. It is converted to liquid air. It is allowed to warm up slowly in the fractional distillation column and the gases get separated at different heights. So basically hum yahan pe fractional distillation process ka use karte hain. In this chart you can see, firstly air is converted into liquid air by the application of temperature and pressure. एंड लिक्विड एयर को हम फिर धीरे धीरे वार्म अप करते हैं. वार्म अप करने से क्या होता है, गैसेस जो है वो डिफरेंट लेंथ पे सेपरेट हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज गैसेस जो हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है. डिफरेंट गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो उसे हम डिफरेंट लेवल्स पे कलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज -183, आर्गन 186 एंड नाइट्रोजन -196. ओके, so moving on to the next page, how can we obtain pure copper sulfate from the impure sample? Okay, so here we also we perform a activity. We take approximately 5 gram of impure sample of copper sulfate in a china dish, dissolve it in minimum amount of water, filter the impurities out. We evaporate the water from copper sulfate to get the saturated solution. We cover the solution with a filter paper and leave it undisturbed at room temperature to cool slowly for a day. Now in this way we will obtain the crystals of copper sulfate in china dish, and this process is called crystallization. तो अगर copper sulfate solution से हमें pure crystal copper collect करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, we take the copper, the impure sample of copper sulfate in china dish, उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उससे उसकी इम्प्योरिटीज को फिल्टर आउट कर देते हैं. उसके बाद वी हीट द सॉल्यूशन सो दैट इट गेट्स इवेपोरेटेड, एंड वी कवर द सॉल्यूशन, इवेपोरेटेड सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर, लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ डे. इससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, द क्रिस्टल कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. सो अगर कोई पूछे कि प्योर कॉपर ऑब्टेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो वी विल सी इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो टू रिमूव द इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज. इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन. दिस टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन, बिकॉज सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे बी चैड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. So crystallization जो है वो evaporation से better technique होता है. क्यों? Because कुछ solid जो है वो decompose हो जाते हैं, and some impurities they may be remain dissolved in solution even after filtration. On evaporation this contaminate the solid. So basically evaporation से हम pure चीज़ों को obtain नहीं कर सकते हैं, उससे better process है crystallization. So if you get a question that which is better, crystallization or evaporation, explain why, so you have to say that crystallization is better. And why it is better? Because of these two reasons. So what is the application of crystallization? So pehla application hai purification of salt which we get from the sea water. Second is separation of crystals of alum, Fitkeri जिसे बोलते हैं, from the impure samples. So crystallization पे एक short note आप लोग लिख सकते हैं. You can also write the benefits of crystallization over evaporation. Now next, the physical and chemical changes.
सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने सीखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती हैं. ओके, सो दिस प्रॉपर्टीज कैन बी स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ये सारे क्या थे? फिजिकल प्रॉपर्टी. ये हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंजेस ऑकर विदाउट द चेंज इन कॉम्पोजिशन. तो इंटर कन्वर्जन में हमने पढ़ा था कि वेन वी अप्लाई टेम्परेचर और वेन वी अप्लाई प्रेशर द स्टेट्स ऑफ मैटर दे चेंज. ओके, सो बेसिकली द फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर. एंड वॉट आर द केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या होता है? बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट. सो फिजिकल चेंज तो हमने देख लिया कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज होता है, बट केमिकल चेंज क्या है? इट इज द केमिकल रिएक्शन विच विल ऑकर. से फॉर एग्जाम्पल, इफ सम मेटल इट इज केप्ट इन द एटमोसफेयर, तो इट गेट्स रिएक्टेड विद द एयर ऑफ द एटमोसफेयर. सो दिस चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज. तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अगर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हों. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ क्वेश्चन में देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल एंड फिजिकल चेंज. कटिंग ऑफ ट्रीज, ये कैसा चेंज है? क्या यहाँ पे केमिकली कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो व्हाट काइंड ऑफ चेंज इट इज? इट इज फिजिकल चेंज. पहले एक पेड़ था, अभी हमने उसे कट कर दिया, तो कैसा चेंज हुआ ये नेचर के लिए? इट इज अ फिजिकल चेंज. ओके, सो फ्रॉम हेयर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड क्लासीफाई दिस चेंजेस इंटू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क द बर्निंग ऑफ कैंडल इन द कैंडल इन अ रूम, वट काइंड ऑफ चेंज इट इज? इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज. ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, वट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स जो भी पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल है उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं. एंड कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? दे आर मेड बाय द फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स. ओके, सो एलिमेंट्स दे कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. So you have to remember the properties of metals, the properties of non-metals and the properties of metalloids. We'll see one by one. See, metals usually show the following properties. ये मैंने पहले भी बताया था, they have luster. Metal जो है उनमें एक चमक होती है. They have silvery grey or golden yellow color. They conduct heat and electricity. Non-metals are bad conductor of heat and electricity, but metals, they conduct heat and electricity. दे आर डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब होता है अगर मेटल पे हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो इट कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स. एंड दे आर मैलिएबल. मैलिएबिलिटी क्या होती है? इफ वी बीट द मेटल इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू थिन शीट्स. सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट दे आर मैलिएबल एंड दे आर डक्टाइल. द नेक्स्ट इज दे आर सोनोरस. उनमें एक रिंगिंग साउंड आती है जब हम उसे बजाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेंपल में जो बेल्स होते हैं उसे जब हम हिट करते हैं तो उसमें से कोई आवाज़ आती है. सो नॉन मेटल्स से कोई आवाज़ नहीं आती, बट मेटल्स को जब आप बीट करोगे तो उससे आवाज़ आएगी. सो दे आर सोनोरस. एग्जाम्पल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एट्सेट्रा. सो यू कैन राइट अ नोट ऑन वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल. सो वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स? नाउ यहाँ पे देखिए, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्टरस, सोनोरस और मैलिएबल एंड डक्टाइल. एग्जाम्पल्स आर कार्बन, कोल, कोक एट्सेट्रा. ये तो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हो गई. कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल की तरह होती है और कुछ नॉन मेटल की तरह होती है. ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स फॉर एग्जांपल, सिलिकन, जर्मेनियम एट्सेट्रा. सो हेयर इन दिस टेबल यू कैन सी द डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था. बेसिकली यू हैव दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट एज आई हैव शोन हेयर. सो यू कैन रिमेंबर दिस टेबल, दैट वॉट आर द डिफरेंसेज बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. And coming to the last page, this is the whole summary of the chapter, that matter का classification. Matter को जब हम classify करते हैं, सबसे पहले matter physically तीन तरह के होते हैं, solid, liquid and gas. Matter जब उसको हम classify करते हैं तो दो तरह का होता है, pure substance and mixture. Pure substance are again of two type, elements and compounds. And mixtures are again of two type, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture means the uniform composition.
and heterogeneous mixture means the non-uniform composition. So the example of homogeneous mixture are sugar in water, salt in water, etc. And heterogeneous mixture are sand, salt, sugar, etc. Elements kya hote hain? They cannot be broken down into simpler substances. And compounds have fixed composition that can be broken down into elements by chemical or electrochemical changes. Example of elements are copper, oxygen. And example of compounds are water, methane. सो बेसिकली ये जो चार्ट है यहाँ से आप पूरे चैप्टर को समराइज कर सकते हो एक बार. इसी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को समराइज करो, जैसे कि मिक्सचर है तो उसमें कितने टाइप ऑफ मिक्सचर होंगे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो वहाँ पे टिंडल इफेक्ट को रिवाइज कर सकते हो. देन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का ये जो वन मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि मिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, इनमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं, डेंसर और लाइटर मिक्सचर को कैसे, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं. सो बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ दिस चार्ट एंड फ्रॉम दिस चार्ट यू कैन रिवाइज द होल चैप्टर. एंड दिस वाज अबाउट द समरी ऑफ द होल चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड दिस प्योर. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन थैंक यू सो मच.